यद भवम तद भवति। उपनिषद में लिखा ये वाक्य हर दौर में लागू होता है। इसका मतलब है जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही बनोगे। विचारों को हम मामूली समझ लेते हैं मगर हर विचार में सृजनात्मक शक्ति होती है। हमारा भविष्य बनाने की शक्ति होती है। सिर्फ विचार ही नहीं, हमारे मन में क्या भाव है इससे प्रमुख असर पड़ता है। आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे विचार सोच के खुश रहते हैं या उम्मीद से बंधे रहते हैं या फिर ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन या हतोत्साहित रहते हैं। जो व्यक्ति एक दिन में कम से कम 51% अच्छे सुखी स्थिति में रहता है उसमें अपने भविष्य को नियंत्रित करने की शक्ति आ जाती है। आप अपने विचारों में घिरे ना रहें, अपने विचारों के सूत्रधार बने। हर वक्त प्रश्न करें कि इस विचार का मेरे दिन में क्या योगदान है। ऐसे विचारों को अपने जीवन से निकालें जो बेमतलब आपके दिमाग में जगह ले रहे हैं और उस पल ऐसे काम में लगें जो आपको अच्छा लगे या फिर किसी तरह की कसरत करें। अगर नहीं कर सकते तो ध्यान की स्थिति में बैठकर आप अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। अपने भविष्य की सोच जो हमारे दिमाग में होती है उसी से हमारा कल बनता है। एक अच्छे कल के लिए जरूरी है आज अच्छे से बिताना। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं। कमर सीधी कर लें, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें, यानी अंगूठे और पहली उंगली के छोर को आपस में जोड़े रखें और बाकी उंगलियां सीधी रखें। अपने आंखों को बंद कर लें और ध्यान भौं के बीच केंद्रित रखें। एक लंबी गहरी सांस भरें और उसे अब मुंह से छोड़ें। हर सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला करते जाएं, पैरों को हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोबारा एक लंबी गहरी सांस लें जो छाती में, पीठ में, पेट में हर जगह फैल रही है और मुंह से सांस को छोड़ते जाएं। कंधों को ढीला कर दें, गर्दन सीधी रखें, दांतों को भींचे नहीं, जबड़े को ढीला छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे पूरे शरीर में पहुंचने दें, मस्तिष्क में, चेहरे में, तलवों में। सांस मुंह से छोड़ते हुए इस हिस्से को भी पूरी तरह से एक आरामदायक स्थिति में जाने दें। शरीर हल्का होते जा रहा है और लंबी गहरी सांस लेते जाएं जिससे शरीर और हल्का होता रहे और हल्का होता रहे। 2-3 बार फिर से अपनी सहूलियत के अनुसार इस लंबी गहरी सांस को लेते रहें। देखिए शरीर कितना शांत और शिथिल हो गया है। अब कल्पना करें एक अच्छी सी खूबसूरत जगह की जहां आपको सुकून मिलता हो। ये कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां आप पहले गए हैं या जाना चाहते हैं। जब इस जगह को चुन लें तो देखें यहां आपके अलावा कोई और नहीं है। चारों ओर फैली सुंदरता देखें। क्या यहां फूल है, पेड़ है, चिड़िया है, पानी है। अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को, पैरों को, आपने क्या पहना है, कैसे दिख रहे हैं। इसके बाद इसे महसूस करें। ये जगह आपके पैरों पर कैसी महसूस होती है, इन चीजों को छूकर कैसा लगता है, ये कोमल है या कठोर। सुनने की कोशिश करें, क्या मधुर आवाजें सुनाई दे रही हैं यहाँ, किस चीज की आवाजें हैं ये। अपने शरीर में इस शीतलता को और गहराई से महसूस करें। यहाँ एक बड़े से पेड़ को देखिए और अब उसके नीचे जाके ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। अगर आप इस कल्पना तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी रचनात्मक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। हम जो सोचते हैं हमारा जीवन उसी पथ पे चलने लगता है। ध्यान की इस शांत स्थिति में हम अपने अवचेतन मन को आदेश दे सकते हैं। जब हम ध्यान में
अपने आप को तेज भागते हुए देखेंगे तो हमारी हृदय की गति पर असर पड़ेगा। यूं ही जैसे हमें स्वप्न बिल्कुल सच्चे लगते हैं, उसमें महसूस किया गया भय भी हमें चकित कर जाता है। तो आज इस अवचेतन मन की स्थिति में चलकर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इसे ऐसे देखिए जैसे कोई फिल्म या चलचित्र चल रहा हो, जिसके नायक आप हैं। देखिए कि आप आज रात सोने से पहले किस अवस्था में होना चाहते हैं, क्या भाव है आपके चेहरे पे अगर आप आईना देख रहे हैं, किस तरह लेटे हैं आप। इसे आप पूरी तरह सकारात्मक रखें। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएंगे और आप जो स्थिति में देख रहे हैं वो वास्तविकता में होने लगेगा। तो अब देखिए कि कल सुबह आप किस तरह से उठ रहे हैं, पहले कौन सा पैर जमीन पे रख रहे हैं, हाथों को किस तरह रगड़ के आप अपने चेहरे पर दिव्य प्रकाश लगा रहे हैं और एक भावना कि सब कुशल मंगल है आपके अंतर मन में चल रही है, जिससे चेहरे पर एक मुस्कान है। अब अपना ध्यान आज से एक हफ्ते बाद आगे ले जाएं। देखें कि आपकी शरीर में ढंग में क्या बदलाव आए हैं। देखिए कि आप और उत्साहित रहने लगे हैं, विवेकशील होने लगे हैं और एक खुशी आपसे झलक रही है। सब आपसे आदर और प्रेम से मिलजुल रहे हैं। याद रखें इस दृश्य को। अब धीरे धीरे इस ध्यान को एक साल आगे तक ले जाएं। देखें क्या अच्छे बदलाव आए हैं आपके शरीर में, आपकी चाल ढाल में, आपके मन में। आपकी बुद्धि शांत और मन शीतल हो गया है। एक नई समझदारी से आप हर परिस्थिति को समझते हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता और अच्छी हो गई है, जिससे अब सब आपको सराह रहे हैं। देखें कि आप एक खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं और इस विचार को अपने अंदर समाने दें। आपके चारों ओर सिर्फ प्रकाश और सकारात्मकता बढ़े जा रही है। इसे खुद में समा लें। आज नहीं तो कल ये सब फलित होगा, ये सब मुमकिन होगा। आपका दिमाग और शरीर एकत्रित होके आपका साथ दे रहा है। इसे अपने हर कण में बसने दें, कुछ शांति के इन पलों में। धीरे धीरे हम वापस आएंगे इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए और आज से सचेत होते हुए। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। ऐसा हर दिन सुबह उठते ही करें। इससे हथेलियों में ऊर्जा जागृत होती है। हाथों के लिए आभारी हूँ और फिर इसे चेहरे पर लगा लें, जिससे ये सारा प्रकाश आपके चेहरे पर आ जाए। धीरे से अब अपनी आंखें खोलिए। धन्यवाद।